हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज मैं मैकेनिकल वालों से बात करूंगा, हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर गेट एग्जामिनेशन गेट 2019 विद इन 50 डेज टू स्कोर गुड रैंक। अगर आपको बहुत अच्छा रैंक चाहिए तो कैसे आप स्कोर कर पाओगे, तो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल सिलेक्टेड सिलेबस क्या होगा वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आपका कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए क्या प्रॉपर अप्रोच क्या होना चाहिए वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आप टेस्ट सीरीज का कैसे बेनिफिट ले सकते हो विद इन लेस टाइम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप अपने आप को कैसे एनालाइज कर सकते हो कि आप किस लेवल पे हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो वो भी डिस्कस यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे मैं ऐसा बोलूँगा कि आपके लिए स्टडी टाइम टेबल क्या होना चाहिए, यानी स्टडी प्लान क्या होना चाहिए या फिर स्टेज ऑफ प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में रिवीजन आपको कैसा करना चाहिए विद इन लेस टाइम उसके बारे में, यानी इफेक्टिव रिवीजन, सो दैट आपके गेट एग्जाम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इफेक्टिव रिवीजन के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट स्टेज पे आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे होगा, आप कैसे कॉन्फिडेंस, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे गेट एग्जाम के टाइम पे या गेट एग्जाम के डे पे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सो दैट आप इस लेस टाइम में, दैट मीन्स विद इन 50 डेज, आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे और आप गेट एग्जाम, दैट इज गेट 2019 को आप क्या कर पाओगे, क्रैक कर पाओगे विद ए गुड रैंक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 50 डेज में अगर मान लो आपको अगर प्रिपेयर करना है गेट एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आपका जो प्लानिंग वाला पार्ट होना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए। प्लानिंग वाला पार्ट इन द सेंस, आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक आउटलाइन बनाना चाहिए कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, कितने डेज में आपको कंप्लीट करना है और उन सब्जेक्ट्स में आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे पहले ये डिसाइड कर लेता हूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट जो होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसका गेट एग्जाम में वेटेज बहुत ज़्यादा होगा। और दूसरा क्या करूँगा यहाँ पे, जैसे अगर मैं सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेता हूँ, तो सब्जेक्ट जो हो जाएगा, जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, मशीन डिज़ाइन हो गया आपका सब्जेक्ट, आपके पास थर्मोडायनेमिक्स हो गया, उसका एप्लीकेशन हो गया थर्मोडायनेमिक्स का, उसके बाद फिर आप बोल सकते हो आपके पास हीट एंड मास ट्रांसफर हो गया है, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो इस टाइप से आपके पास क्या है, इतने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाते हैं। तो इनमें से कुछ सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आप देख पाओगे मैथमेटिक्स जो है उसका वेटेज बहुत हाई होता है, मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एप्टीट्यूड का वेटेज बहुत हाई, फ्री मार्क्स वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर मैकेनिकल कोर में अगर मैं आ जाऊँ, तो मैकेनिकल कोर में आपके लिए क्या होगा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बहुत हाई वेटेज, हाईएस्ट वेटेज है उसका, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट और साथ में थर्मोडायनेमिक्स, तो ये कुछ टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिग टॉपिक जिनका वेटेज एग्जाम में बहुत हाई होगा, तो इन सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है। और साथ ही साथ बात करेंगे इन सब्जेक्ट्स में आपको आप क्या पढ़ना होगा, तो अगर सब्जेक्ट्स के सिलेक्टेड टॉपिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो इसका बेसिकली क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 32 ईयर्स एग्जामिनेशन, जो गेट एग्जाम हुआ है लास्ट 30 ईयर्स के पेपर का अगर मैं एनालिसिस करूँ, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, आप समझ पाओगे कि कौन कौन सा टॉपिक जो होगा वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और उस टॉपिक में भी आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस वे में पढ़ना चाहिए। तो इसका एक काम करेंगे, इसका मैं एक डिटेल एनालिसिस कर लिया हूँ और डिटेल एनालिसिस करने के बाद एक PDF के फॉर्म में आपको बना दिया हूँ, और वो PDF मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा आपके लिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस PDF को जाके डाउनलोड कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए, कौन कौन सा सब टॉपिक है, उसमें क्या चीज़ आपको पढ़ना चाहिए, कौन से फॉर्मूले आपको पढ़ने चाहिए, ये पूरा डिटेल एनालिसिस वहाँ पे किया हुआ है, पूरे सिलेबस का, सिलेक्टेड टॉपिक्स का डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, वहाँ पे आप उसको जाके देख सकते हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपने हिसाब से ऐसा सोचता हूँ एनालिसिस करने के बाद, तो उसको आप चाहो तो लिटिल बिट थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उतना कवर करना चाहिए और उस वे में कवर करना चाहिए। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लोगे, वहाँ से आपको नोन हो जाएगा। तो ये तो हुआ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है उसको ज़्यादा वेटेज है उसको तैयार करना चाहिए, तो आपको ना सारे सब्जेक्ट्स को देखना है, ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट को आपको छोड़ देना है, किसी कम वेटेज है तो, ऐसा नहीं है कि जिसके ज़्यादा वेटेज है आपको सिर्फ उसी को पढ़ना आपको सारे सब्जेक्ट्स को है। और सारे सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, आप जो PDF डाउनलोड करोगे उसमें आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करेंगे अप्रोच कैसा है आपका, हाउ टू स्टडी, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूँ, तो गेट एग्जाम बेसिकली जो टारगेट करता है वो न्यूमेरिकल टाइप्स के प्रॉब्लम को टारगेट करता है, न्यूमेरिकल इन द सेंस जहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ नोन डेटा होगा, कुछ अननोन डेटा होगा, तो आप उस वाले प्रॉब्लम्स को क्या करोगे, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप नोन डेटा से उसमें सब्स्टिट्यूट करके अननोन वैल्यूज को वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा टारगेट करता है गेट एग्जाम। तो आपको क्या करना है, आपका अप्रोच वैसा होना चाहिए, बिकॉज गेट एग्जाम में ऑलमोस्ट 85% के आसपास ऑलमोस्ट आपके पास जो होता है वो न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम होगा। तो आपको क्या होगा, आपका जो तैयारी करने का तरीका ऐसा होना चाहिए
कि आप जो टारगेट करोगे वो ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप के सब्जेक्ट को टारगेट करोगे, और उसमें भी जितने टॉपिक्स हैं उसमें जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट है उसको ज़्यादा टारगेट करोगे। दैट मीन्स ऐसा बोलूँगा आपको पूरा डिटेल थियरी नहीं पढ़ना है आपको, बिकॉज आपके पास टाइम अभी कम है, आप तैयार कर रहे हो विद इन 15 डे आप तैयार कर रहे हो, तो वैसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट के लिए आप इंपॉर्टेंट फार्मूला सबसे पहले सभी टॉपिक्स का फाइंड आउट कर सकते हो, एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बना सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक में कौन कौन सा फार्मूला है जिसके बेसिस पे प्रॉब्लम आना है आपका, राइट। उन सभी टॉपिक्स का फार्मूला यहाँ पे देख सकते हो, फार्मूला राइट डाउन कर सकते हो पहले कॉपी में, और उसके बाद उन फार्मूले के बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस गेट एग्जामिनेशन कुछ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उन फार्मूले के बेसिस पे अटेम्प्ट करने की आप कोशिश करोगे। तो यहाँ तक कर लेंगे हम लोग, अब बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ तक आ गए, आपने यहाँ पे क्या कर लिया, अपना सिलेबस डिसाइड कर लिया, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये भी आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको सभी का एक शॉर्ट नोट बना लेना है, सभी का एक फॉर्मूला टाइप का बना लेना, और उसके बाद आपको सभी के बारे में क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेना। अब बात करेंगे नेक्स्ट कि आपको कितना टाइम देना है, यानी ऐसे बोलूँगा व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, आप कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या स्टेज होगा। तो 50 डेज में, आउट ऑफ 50 डेज में बात करूँगा, सबसे पहला वाला स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो आपका होगा वो कंसेप्ट बिल्डिंग वाला पार्ट होगा। यानी अगर 50 डेज में अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आपके पास जो 35 डेज जो होगा वो कंसेप्ट बिल्डिंग वाला पार्ट होगा। जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं उनमें से आप क्या कर सकते हो, जो हाईएस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं कंसेप्ट बिल्डिंग में। फॉर एग्जांपल मान लो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है वो ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज रखता है, सब्जेक्ट का लेंथ भी बहुत ज़्यादा है, लेंथी सब्जेक्ट है, उसको आप 5 डेज दे सकते हो या 6 डेज भी आप उसको दे सकते हो। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो थोड़ा स्मॉल है जिसका वेटेज भी कम है, जिसका लेंथ भी कम है, सब्जेक्ट पर टॉपिक्स बहुत ही कम है, जैसे एग्जांपल मैं बोलूँगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया आपका, या फिर मान लो आपका हीट ट्रांसफर हो गया, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका मान लो वेटेज भी कम है और सब्जेक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, तो उसको आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो कम टाइम में डिवाइड। तो वो आउट ऑफ 35 डेज जो पहला स्टेज है वो आपका कंसेप्ट बिल्ड करना है 35 डेज में, तो उसमें आप क्या करोगे, उस पहले वाले में सबके लिए टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, इसके लिए इतना टाइम है और उसके अकॉर्डिंगली आप तैयार करोगे, उस टाइम में उतना टॉपिक आपको प्रिपेयर कर लेना फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर्मूला भी आप लिख लोगे, शॉर्ट नोट बना लोगे और साथ में क्वेश्चंस भी वहाँ पे बना लोगे। और बात करेंगे सेकेंड वाले स्टेज की, बात करते हैं सेकेंड वाले स्टेज में क्या करेंगे। यहाँ पे आप मान लो सारे सब्जेक्ट्स को आप एक बार अगर गो थ्रू हो गए हो, सभी को आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली पढ़ लिया है, क्वेश्चंस को कुछ बना लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, अब बात करेंगे सेकेंड वाले स्टेज में आपको क्या करना चाहिए, क्विक रिवीजन करना चाहिए उसका, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज को भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखेंगे कैसे टेस्ट सीरीज को इफेक्टिव वे में, ईजी वे में कैसे उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो, बहुत अच्छे से आपने तैयार कर लिया उस 35 डेज में, पहले वाली 35 डेज में आप तैयार कर लिया हो, तो आप टेस्ट सीरीज को दो, मल्टीपल टेस्ट सीरीज को, एक दिन में आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज को दो, एक या दो इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो, या टाइम कम है तो आप एक ही इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, और उसके बाद क्या करो आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज दो, एक ही दिन में मल्टीपल टेस्ट लो, और सभी टेस्ट में आप बना के देख सकते हो कि कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो। मान लो अगर आपके पास बनाने का टाइम अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज का डायरेक्ट सोल्यूशन भी जा सकते हो, तो आप सीधा सोल्यूशन वाइज भी जा सकते हो, सोल्यूशन वाइज इन द सेंस आप ऐसा कर सकते हो सीधा क्वेश्चन देखे और सीधा उसका सोल्यूशन देखे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा हाँ ये क्वेश्चन को ऐसा बनाया जाता है। तो जहाँ पे भी मान लो आउट ऑफ 25 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आप सेक्शन वाइज टेस्ट दे रहे हो, मान लो 30 क्वेश्चन है कहीं पे 20 क्वेश्चन है, या फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो मान लो पूरा 65 क्वेश्चन है आपके पास, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ ठीक है ये 65 क्वेश्चन में से आप कौन से क्वेश्चन ऐसे थे डिफिकल्ट जो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा था, उनको आप थोड़ा उनका सोल्यूशन आप डिटेल में देख सकते हो, थोड़ा सा बना सकते हो, बाकी सभी क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, मैं ऐसा यहाँ पे बोलूँगा। और पढ़ने के टाइम पे भी जब आप मान लो अब फर्स्ट वाले स्टेज में जब 35 डेज में आप पढ़ रहे हो, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, वो फॉर्मूला जो आप ऑलरेडी नोट पॉइंट में आप लिख लिए हो उस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको जो प्रॉब्लम है, कई बार आपके पास टाइम कम होगा तो आपको पूरा बना कर नहीं देखना है, डायरेक्टली जो प्रीवियस गेट एग्जाम का जो सोल्यूशन है उसमें से क्वेश्चन देखना और सीधा सोल्यूशन आपको देखना है, यानी आपको खुद बनाना नहीं है, आपको पेन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बट आपको ना सॉल्व टाइप का आपको यूज़ करना है, यानी ऑलरेडी आपके पास सोल्यूशन बुक है मान लो, तो क्वेश्चन भी आपके पास उन फॉर्मूले के ऊपर सोल्यूशन भी आपके पास है, तो क्वेश्चन पढ़ के सीधा सोल्यूशन आपको पढ़ना है, इसमें आपका टाइम सेव हो जाएगा, आप कम टाइम लोगे और जल्दी से जल्दी आप क्या कर पाओगे, कवर कर पाओगे सारे सब्जेक्ट्स को आप कवर पाओ। तो टेस्ट सीरीज में ऐसे ही होगा, टेस्ट सीरीज में आप क्या है दोगे तो डायरेक्टली आप उसका सोल्यूशन लेके भी, क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों लेके भी आप एक साथ प्रोसीड कर सकते हो, कम टाइम में जल्दी आपको हो जाएगा। जो क्वेश्चन उसमें डिफिकल्ट आपको लगता है कि हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, उन सभी क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा मार्क कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसको एक बार और रिवाइज करना पड़ेगा। और क्वेश्चन जब बनाओगे गेट एग्जाम का तो भी आप ऐसा करोगे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगेगा फर्स्ट टाइम बनाने के टाइम पे, आप उसको थोड़ा सा वहीं पे मार्क कर दोगे उस वाले बुक में कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, नेक्स्ट टाइम मैं इस वाले का खाली रिविजन करूंगा, जो ईजी वाले क्वेश्चन उनका बाद में रिविजन आपको नहीं करना, सेकंड टाइम रिविजन आपको नहीं करना होगा। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, कंसेप्ट भी अपना बिल्डअप कर सकते हो,
आप गेट एग्जाम के क्वेश्चंस को भी बना सकते हो, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे ले सकते हो, और टेस्ट सीरीज से अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, और सीख सकते हो, ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सीख पाओगे। अब थर्ड देखेंगे, तो देखो पहला वाला स्टेज जो हो गया आपका, पहला वाला 35 डेज आपका कंसेप्ट बिल्डिंग और क्वेश्चंस में चला गया आपका। सेकेंड वाला जो 10 डेज है आपका, सेकेंड वाला स्टेज जो हो गया 10 डेज का, वो आपके पास चला जा रहा है टेस्ट सीरीज़ और उसके एनालिसिस में चल जा रहा है, कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया कैसा है उसको बनाने में चल जा रहा है। और टेस्ट सीरीज़ में आपको ये भी देखना है, कुछ इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाता है, कई बार आउट ऑफ सिलेबस टाइप का आ जाता है, बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आपको इग्नोर करना है। बिकॉज ऑफ लेस टाइम में प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास 50 दिन का टाइम है, 50 डेज है आपके पास, लेस टाइम में आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उन सभी क्वेश्चन को आपको अवॉइड करना है। आपका जो पैटर्न होना चाहिए, आपका जो फोकस होना चाहिए, उस गेट एग्जाम का सिलेबस, गेट एग्जाम के पैटर्न और लेवल, गेट एग्जाम के लेवल जैसा ही आपको होना चाहिए, तो उन सभी क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हो वहाँ पर। तो आपका 45 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 35 डेज कंसेप्ट बिल्डिंग में क्वेश्चन में, और 10 डेज आपका टेस्ट सीरीज में चल गया। लास्ट आपके पास बचेगा 5 डेज आपके पास लास्ट बचेगा, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस 5 डेज में आपको टेस्ट सीरीज को नहीं अटेम्प्ट करना है, नहीं बनाना है आपको वहाँ पे कंसेप्ट बिल्डिंग वाला कोई दूसरा पार्ट या कोई नया टॉपिक आपको ऐड नहीं करना है, किसी नए टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। उस लास्ट 5 डेज में आपको क्या करना है, फास्ट रिवीजन करना है, साथ ही साथ मल्टीपल रिवीजन करना है। फास्ट और मल्टीपल रिवीजन का मतलब होगा, फॉर एग्जांपल आप मान लो 5 डेज में से फर्स्ट डे आप मान लो 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेते हो, फास्ट रिवाइज करना है आपको, यानी मल्टीपल रिवाइज होगा। एक दिन में आपने 4-5 सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया, जो भी आप ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स बना कर रखे हो, जितने भी क्वेश्चन को आप ऑलरेडी पढ़ के रखे हो, उनको अपना पढ़ना है आपको, सिर्फ पेन का यूज़ बहुत कम करना है, तो आपको सिर्फ उसको पढ़ना है, स्टडी करना है, फोकस करना है आपको, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है वहाँ पे, तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स आप उठाओगे, फास्ट आप रिविजन करोगे, तो उससे क्या होगा आपका ना विद इन 5 डेज पूरे सब्जेक्ट्स को आपने कम से कम 2 बार या 3 बार कम से कम सभी को क्या करोगे, रिवाइज कर लोगे, जो भी आप पढ़ के रखो या जो भी आप शॉर्ट नोट्स आप बना के रखे हो, 2-3 बार आप रिवाइज कर लोगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत हाई हो जाएगा कि हाँ ठीक है क्वेश्चंस फिर से बन पाएगा। बिकॉज जितने भी फॉर्मूला होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो आपके ब्रेन पे तुरंत रहेगा, बिकॉज आपने बहुत बार रिवाइज किया है, तो आपके ब्रेन पे तुरंत रहेगा बिफोर द गेट एग्जामिनेशन। तो आपका जब अटेम्प्ट करने का जब गेट एग्जाम में बारी आएगा, तो आप थोड़ा उसको जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे, बिकॉज आपने बहुत बार रिवाइज किया है, तुरंत रिवाइज किया बिफोर 5 डेज, तो आपको जल्दी याद होगा वहाँ पे, आप जल्दी आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस वे में क्या कर सकते हो, आप अप्रोच कर सकते हो, तो ये आपके लिए थोड़ा ईजी होगा। 3 अलग अलग स्टेजेस मैंने यहाँ बना दिया, उस स्टेज में आप प्रोसीड करिए, उस स्टेज में जाइए और गेट एग्जाम को बेस्ट वे में प्रिपेयर करिए। अब बात करेंगे टाइम टेबल, आपको कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है। तो जैसे आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो अगर मैं पहले वाले स्टेज की बात करूं कि आप पहले वाले स्टेज में सारे सब्जेक्ट्स को अगर लेते हो, तो मिनिमम आई थिंक अभी आपके पास टाइम अगर कम बचा हुआ, ऑलमोस्ट अगर मान लो 50 डेज में आप रेडी करना चाहते हो सब्जेक्ट को, तो आपको पर डे एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स आपको देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, गेट एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। और इसमें एवरी डे मान लो आप 8 to 10 आवर्स पढ़ रहे हो, और स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वाला स्टेज है, आप 35 डेज अगर मान लो कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसमें आई थिंक मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू हो कि आपको क्या करना चाहिए, एक बार में एक सब्जेक्ट को कैरी ऑन करना चाहिए। यानी मान लो आपने सबसे पहले मान लो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले सब्जेक्ट को आपने लिया है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला सब्जेक्ट जो है उसको सबसे पहले आपको कैरी करना चाहिए। मान लो आप उसको सोचते हो पहले से कि मैं 2 दिन में उसको कंप्लीट करूंगा या 3 दिन में उसको कंप्लीट करूंगा, तो उस 2 या 3 दिन में सबसे पहले उस सब्जेक्ट को आपको पूरा पूरा कवर करना चाहिए फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आपका जो कंसेप्ट वाला पार्ट है, जितने भी फॉर्मुलेस वाले पार्ट हैं, उनको आप शॉर्ट नोट बना रहे हो, साथ में गेट एग्जाम के क्वेश्चंस को आप देख रहे हो, तो सब्जेक्ट वाइज आपको जाना चाहिए। जैसे पहले आप मान लो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कर लिए, फिर आप स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कर लिए, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स आप कर लेते हो, मशीन डिजाइन टॉम, तो 1 by 1 सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप चाहो तो थोड़ा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर कोई ऐसा सोचेगा नहीं, एक दिन में अगर 2 सब्जेक्ट ले लूँ, तो हो सकता है फर्स्ट 5 to 6 आवर आप ले सकते हो पहले वाला सब्जेक्ट, फिर दूसरा सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो, 4 to 5 आवर्स दूसरा सब्जेक्ट आप स्टडी कर सकते हो। बट अगर मैं ऐसा बोलूँ, सजेस्ट करूँगा एक एक सब्जेक्ट आप लेते जाइए, एक सब्जेक्ट को पूरा पूरा कंप्लीट करते जाइए, तो उस हिसाब से आप क्या कर पाओगे विद इन 35 डेज, उस 35 डेज में आप क्या कर पाओगे, पूरे सब्जेक्ट्स को, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, पूरा पूरा आप उसको कवर कर पाओगे। और उसके बाद टेस्ट के टाइम पे तो आप ऐसा करोगे कि टेस्ट के टाइम पे आपका ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए कि आप एक ही सब्जेक्ट का टेस्ट किया तो थ्रू आउट द डे ले सकते हो, जितने भी टेस्ट अपलोडेड हैं, या फिर आप अलग अलग टेस्ट भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आपने स्टडी कर लिया है, सब चीज़ आपने पढ़ लिया है, तो टेस्ट सीरीज आप अलग अलग सब्जेक्ट का भी ले सकते हो। और जब रिवीजन करना है थर्ड वाले स्टेज में, तो आप बहुत ही फास्ट रिवाइज करोगे,
फास्ट रिवाइज इन द सेंस मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक दिन में आपके हो जाएंगे, एक दिन में हो सकता है आप चार सब्जेक्ट को रिवाइज कर दे रहे हो, तीन को रिवाइज कर दे रहे हो, इस टाइप से क्या करना है आपको बार बार रिवाइज करना। फर्स्ट डे मान लो आपने फाइव सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर दिया, फिर सेकंड डे फाइव सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर दिया, तो ऐसे क्या करना पाँच दिन में आपको बहुत बार यहाँ पे रिवाइज कर लेना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस इससे बहुत बेटर हो पाएगा क्योंकि आप जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर रहे हो, बार बार रिवाइज कर रहे हो उस टाइप से। तो रिविजन इज मस्ट, रिविजन आपको इस वे में करना चाहिए, टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, नियर अबाउट 8 to 10 hours, तो इस तरीके से आप गेट एग्जाम के लिए बेस्ट वे में प्रिपेयर कर पाओगे। और लास्ट में गेट एग्जाम से वन डे पहले आपको बिल्कुल भी निगेटिव नहीं सोचना है, बिल्कुल भी आपको एकदम पॉजिटिव सोचना है अपने बारे में, बिकॉज आपने 50 डेज इतना मेहनत किया है, आपने सब्जेक्ट्स को इतने बेस्ट वे में प्रिपेयर किया है, आप पूरा एफर्ट लगा रहे हो अपना, तो आपको लास्ट में ना पॉजिटिव वे में रहना है, आपको पॉजिटिव सोचना है दैट आई कैन अपेयर इन द बेस्ट वे इन द गेट एग्जामिनेशन। आपको इस टाइप में सोचना पड़ेगा, कोई भी निगेटिविटी वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, कुछ निगेटिव आपको नहीं सोचना चाहिए, सब चीज़ एकदम पॉजिटिव सोचना चाहिए। और गेट एग्जाम में जब आप बैठे रहोगे तो आप वही पॉजिटिव थिंकिंग लेके बैठोगे, कोई भी निगेटिव थिंकिंग लेके नहीं बैठोगे, यानी आपका कितना पोर्शन आप नहीं पढ़ के आ रहे हो, क्या आप छोड़ के आ रहे हो उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बट इंस्टेड आप जितना पढ़ के जा रहे हो उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना है कि आप कितने पोर्शन को बेस्ट वे में पढ़ के जा रहे हो, वो आपका कैसा है, आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, वो वाले पार्ट आपको ब्रेन में ज़्यादा होना चाहिए। तो निगेटिव वाला पार्ट कम होने से आपके ब्रेन में पॉजिटिव वाला पार्ट ज्यादा होना चाहिए, इससे क्या होगा आप नर्वस थोड़ा कम हो जाओगे और आपका जो अटेम्प्ट करने का जो चांस होगा वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा और एक्यूरेट भी आप बनाओगे वहाँ पे अगर आप थोड़ा पॉजिटिव ज़्यादा रहते हो तो आपको अपने आपको थोड़ा पॉजिटिव वाले पार्ट में रखना होगा गेट एग्जाम के दिन और गेट एग्जामिनेशन हॉल में भी, तो इस तरीके से आपका जो अटेम्प्ट होगा बहुत अच्छा होगा और आपका स्कोर भी जो आएगा वो बहुत अच्छा स्कोर आ पाएगा। ओके ठीक है, तो आप इस तरीके से तैयारी करिए, अब आपके पास जो भी 50 डेज रिमेनिंग है 50 डेज में आप उसको बेस्ट वे में तैयार करिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जामिनेशन, गेट 2019 एग्जामिनेशन। ओके थैंक यू।